हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था पी इज़ इक्वल टू एम वी, है ना? यही डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक, तो मोमेंटम की अगर सिंपल वर्डिंग्स में मैं मतलब कुछ समझाना चाहूँ तो मोमेंटम क्या होता था? स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। और इसके लिए मैंने एग्जांपल भी लिया था, दो एग्जांपल लिए थे कि मान लीजिए कि अगर मैं किसी की स्ट्रेंथ ऑफ मोशन को चेंज करना चाहता हूँ तो या तो मैं उसका मास चेंज कर दूँ या फिर उसकी वेलोसिटी। और दोनों के एग्जाम्पल लिए थे कि मान लीजिए आपसे एक साइकिल टकराती है और आप एक ट्रक से टकराते हैं, तो दोनों का जो इम्पैक्ट है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होगी। कि साइकिल से आपको छोटी मोटी इंजरी होगी, लेकिन अगर आप ट्रक से टकरा जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और एक और एग्जांपल मैंने लिया था कि मान लीजिए गन की बुलेट है, उसको मैं बाय हैंड थ्रो करता हूँ आपके ऊपर और उसी को मैं गन से फायर करता हूँ, तो दोनों की वेलोसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और उसी तरह से उसका जो इफेक्ट होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। कि जो बाय हैंड बुलेट फेंकी गई उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसका जो असर होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, लेकिन अगर गन से फायर किया तो डेफिनेटली वो आदमी की जान भी ले सकती है। ओके, तो ये था मोमेंटम का कुछ समझाने के लिए एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे। लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब कि जब मोमेंटम चेंज होगा तो वो किसके प्रपोर्शनल होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पे। कि अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है तो मोमेंटम भी जल्दी जल्दी चेंज होगा, अगर फोर्स कम अप्लाई किया जा रहा है तो मोमेंटम स्लोली चेंज होगा। तो इसी को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे आज, और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कि जो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है, एम है, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, और अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी, और वेलोसिटी को चेंज होने में इसने कितना टाइम लिया, टी। ठीक, इट इज़ यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड टू वेलोसिटी वी इन टाइम टी बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ थ्रू आउट द टाइम टी। अब हमारे पास दो मोमेंटम आए, एक मोमेंटम वो था जब वेलोसिटी कितनी थी, यू, एक मोमेंटम वो है जब वेलोसिटी कितनी है, वी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ था तो उसका मोमेंटम मैंने क्या माना, इनिशियल मोमेंटम माना, और उसी तरह से एक हमारे पास हो गया फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को मैंने बोला पी वन, और ये किसके इक्वल हुआ, एम यू के। और जो फाइनल मोमेंटम है उसको मैंने क्या माना, पी टू, और वो किसके इक्वल हो गया, एम वी के। ओके, तो दो मोमेंटम मेरे पास आए, एक आया पी वन और एक आया पी टू। अब जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, पी टू माइनस पी वन, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मैंने इनकी वैल्यू रखी यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये एम वी माइनस एम यू, और इसमें से मैंने एम कॉमन ले लिया, और जब एम कॉमन लिया तो ये क्या बचा मेरे पास, वी माइनस यू। लेकिन मुझे निकालना क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या डिफाइन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब भी रेट आता है तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड करते हैं, टी से डिवाइड कर देते हैं। और यही तो करते आ रहे हैं हम अब तक, कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकाला तो क्या किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया था, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला था तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया था, दैट मीन्स एसेलरेशन, ऐसे किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैं क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम को किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके प्रपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। अब अप्लाइड फोर्स कितना माना मैंने, एफ, तो एफ किसके प्रपोर्शनल हुआ, पी टू माइनस पी वन, और जो पी टू माइनस पी वन है वो किसके इक्वल है, एम इंटू में वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, और जब ये प्रपोर्शनल का साइन हटता है तो किसका साइन आता है, इक्वल टू का साइन आता है, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसे बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो के है हमारे पास वही कांस्टेंट है, बाकी सारी टर्म तो सेम है, लेकिन ये के हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया ना। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को किससे रिप्लेस किया, इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस कर दिया।
तो अब फाइनली मेरे पास फॉर्मूला बन गया एफ इज़ इक्वल टू के एम ए, और ए हमें पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वी माइनस यू क्या है मेरे पास, चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन में क्या है, टाइम। तो वी माइनस यू अपॉन टी क्या बन गया, ए बन गया एक्सेलरेशन। तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो क्या बना, एफ इज़ इक्वल टू के एम ए, ठीक है। तो के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके चलिए, तो यही लिखा हुआ है कि के हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ मास और एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, किलोग्राम एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। चलिए, तो खैर ये तो मैं पता था कि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम फोर्स की ऐसी यूनिट चूज़ करने वाले हैं जिससे कि के की जो वैल्यू है वो क्या बन जाए, वन बन जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर दिस द वन यूनिट ऑफ फोर्स इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास, ठीक। तो के की वैल्यू को 1 बनाने के लिए हमने कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जिससे कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, और ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाए, 1 किलोग्राम। और जब ये वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में रखी, एफ इज़ इक्वल टू के एम ए, जब इस फॉर्मूले में रखी तो एफ कितना बना, 1, एम कितना बना, 1, और ए कितना बना, 1। तो इससे के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला बना वो क्या बना, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, मास इंटू में एक्सेलरेशन बन गया, ठीक। और जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी अदर यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस न्यूटन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल एन होता है, ठीक। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस ए मैथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को हम मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है फॉर्मूला। एक सिंपल वे में बोलूँ कि अगर मेरे पास गिवन है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, अब ज़रा इसकी बात करते हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो इसके कई सारे एक्सपेक्ट हो सकते हैं। कैसे, कि अगर मैं कह रहा हूँ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो ए किसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि अगर मेरे पास मास कम है तो उसको एक्सेलरेट कराने के लिए मुझे फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मास ज़्यादा है तो उसको ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए मुझे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। कम मास है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका एक और एस्पेक्ट आता है क्या, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है, तो फोर्स भी ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का। अगर उसका एक्सेलरेशन कम है ऑब्जेक्ट का, तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। और इसको वाइस वर्सा भी बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कम लगा रहे हैं तो वो कम एक्सेलरेट करेगा। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो खैर हमारे पास बहुत ही कॉमन है, आईपीएल चल रहे हैं आजकल, है ना। तो ये एक क्रिकेटर है, इसके पास बॉल आई, ये बॉल को कैच करने वाला है। अब जब इसने बॉल को कैच किया तो ये क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को पीछे की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, मतलब उसने सीधा सीधा पकड़ के इसको कैच नहीं करा, इसने क्या करा, अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाके पुल किया। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि जो मोमेंटम का इम्पैक्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कैसे, देखना, मान लीजिए इस बॉल की अभी स्पीड कितनी है, 60 है, ठीक है। अब इस बॉल की स्पीड कितनी है, 60, और जब आप इसे कैच करेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो स्पीड है कितनी होने वाली है, 0। कैच करने के बाद तो बॉल की जो स्पीड है वो 0 होने वाली है। अच्छा, मैंने मान लिया इस बॉल का मास कितना है, 1 है, ये सपोज कर लिया। अब एक बात बताना, फोर्स क्या बनेगा, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है, कि कितने फोर्स के साथ ये इस क्रिकेटर के हाथ पे टकराएगी। तो वो फोर्स मैंने कैसे निकाला, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब मुझे पता है मास कितना है, 1। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हुआ, अब मैंने सपोज करा कि 60 से लेके 0 की स्पीड तक जाने के लिए इसने कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 60 आ गया, है ना।
तो ये हो गया हमारे पास 0 माइनस 60 अपॉन में 1, 0 माइनस 60 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन कितना बन गया, 60 बन गया। अच्छा, तो फोर्स कितना लगा, 60। जब आप बॉल को 1 सेकंड में रोक देते हैं तो फोर्स कितना लगा, 60 लगा। लेकिन मैंने अब इसकी दूसरी सिचुएशन ली, मान लीजिए कि जो मैंने हैंड को पुल किया, मतलब क्रिकेटर ने जो हैंड को पुल किया, तो इस स्पीड को जीरो तक आने में टाइम कितना लगा, 3 सेकंड्स का लगा। तो अब जो फोर्स एक्सेलरेशन है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपने टाइम ज़्यादा लिया बॉल को प्रॉपर पकड़ने के लिए तो फोर्स कितना लगेगा, 20, और अगर आपने टाइम कम लिया बॉल को ज़ीरो पे लाने के लिए स्पीड को, तो फोर्स कितना लगा, 60 लगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये जो हैंड पुल करते हैं हम पीछे की तरफ, तो हम उसके मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसके रेट ऑफ चेंज को, मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को कम कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो क्रिकेटर होता है उसके हाथ पे इंजरी नहीं होती, क्योंकि अगर इस फोर्स के साथ बॉल टकराई तो उसके हाथ में इंजरी हो सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कम फोर्स के साथ टकराएगी तो बॉलर का हाथ, सॉरी क्रिकेटर का हाथ सेफ रहेगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हमारे पास है कि अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एसेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो एसेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर एसेलरेशन कम होगा तो बॉल पास में ही नज़दीक गिर जाएगी, और अगर एसेलरेशन ज़्यादा होगा तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा, और ये बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, और एक और एग्जांपल हमारे पास हो सकता था ये कि अगर मान लीजिए मास कम है तो फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होता था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता था उसको भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, अच्छा, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए, सिंपल। और अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखूँ तो क्या बना, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब इस टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो क्या बनेगा, एफ इंटू में टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, अगर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एफ क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो ये जो मेरे पास स्टेटमेंट थी, एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू में वी माइनस यू, तो एफ क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया ज़ीरो इज इक्वल टू एम इंटू में वी माइनस यू। अब मास चाहे कुछ भी हो, मान लो मास को मैं इधर ले आया डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ज़ीरो अपॉन एम, और ज़ीरो अपॉन एम क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, वी माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो, और मेरे पास क्या आ गया, वी इज इक्वल टू यू। इसका मतलब जब आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो जो पहला इनिशियल वेलोसिटी थी वही मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो यही तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता था कि अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा सेम वेलोसिटी से, और अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो यही यहाँ पे समझाया हुआ है कि v इज इक्वल टू यू फॉर वाट एवर टाइम टी इज टेकन, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू थ्रू आउट द टाइम टी। इफ़ यू इज़ ज़ीरो देन वी विल ऑल्सो बी एज ज़ीरो, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रही तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, ज़ीरो। मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे, तो फोर्स अप्लाई कर नहीं रहे तो पहले भी रेस्ट पे था बाद में भी रेस्ट पर है। तो यही हमारे पास क्या होता था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसके न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कल की ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।